32 एकड़ हाउसिंग बोर्ड पहुंच मार्ग के समीप बने मंदिर में स्थापित बजरंगबली की प्रतिमा को अज्ञात लोगों द्वारा खंडित कर दिया गया। इसकी जानकारी लगते ही सोमवार सुबह लोगों की भीड़ यहां पहुंच गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घटना से आक्रोशित लोगों को शांत करवाया। गौरव पथ रोड ओम शांति चौक से हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी पहुंच मार्ग के किनारे 32 एकड़ परिसर में स्थापित एक मंदिर परिसर में घुसकर अज्ञात लोगों द्वारा रविवार सोमवार की दरमियानी रात मंदिर में विराजमान बजरंगबली की प्रतिमा को खंडित कर दिया गया। साथ ही यहां रखे कलश की भी चोरी कर ली गई। इस घटना की जानकारी मिलते ही सोमवार सुबह मंदिर परिसर में सैकड़ों लोगों की भीड़ जुट गई। सभी इस घटना की निंदा करते हुए इस कार्य में संलग्न आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। मूर्ति को खंडित करने की घटना और लोगों के मंदिर परिसर के समीप एकत्र होने की जानकारी लगते ही सीएसपी छावनी आशीष बंछोर छावनी और जामुल टीआई के साथ मौके पर पहुंचे। सीएसपी आशीष बंछोर ने मंदिर परिसर में मौजूद भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष स्वीटी कौशिक सहित अन्य लोगों से विस्तार से चर्चा की। उपस्थित सभी लोगों ने एक स्वर में तत्काल आरोपियों को गिरफ्तार करने पुलिस प्रशासन से मांग की। छावनी सीएसपी ने महिला मोर्चा की अध्यक्ष स्वीटी कौशिक सहित अन्य लोगों की बातों को गंभीरता से सुना और तत्काल ही मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों को आरोपियों की गिरफ्तारी करने को लेकर दिशा निर्देश दिए। उपस्थित लोगों ने पुलिस के अधिकारियों से मंदिर के आसपास देर रात तक असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगे रहने की जानकारी दी। साथ ही यह भी बताया कि इन असामाजिक तत्वों द्वारा नशाखोरी कर सड़क से गुजरते लोगों को डराने धमकाने की कोशिश की जाती है, जिसकी वजह से रात के समय हाउसिंग बोर्ड पहुँच मार्ग से गुजरना सुरक्षित नहीं रह गया है। मंदिर परिसर में रखी प्रतिमा को खंडित करने और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष स्वीटी कौशिक ने प्रतिक्रिया दी। जय श्री राम। आज फिर पिछले महीने भी हर महीने एक एक हमारी हनुमान जी की जो मूर्तियां हैं वो तोड़ी जा रही हैं। आज उसी कड़ी में ही इस महीने हमारे ये यहाँ के आम्रपाली के पास जो रोड है ना, तो वहाँ पे जो मंदिर है आज इसकी बारी थी, आज इसको तोड़ा गया है। हनुमान जी की आधी मूर्ति, आधा जो मुंह है वो विक्षिप्त हुआ है और उनके गधे को भी चोट पहुंची है और जो दिया बाती रखने का जो सामान था वो सब क्षतिग्रस्त किया है। ये जानबूझ के, सोच समझ के, होश और हवास में किया गया ये काम। ये हम सनातनियों के दिल दिमाग के साथ खेलने वाली एक बात है। ये तुष्टिकरण की राजनीति की पराकाष्ठा है और हम सब सनातनी बहुत ज़्यादा इससे शोभित हैं और बहुत दुख में है। कुछ मेरी बहनें, हम लोग के तो आंखों में आंसू तक आ गए, ऐसे लग रहा है किसी ने हमारे ऊपर घात किया हो। तो ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए। कब बंद होंगी? उन्होंने आश्वासन दिया है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे और वो बिल्कुल संज्ञान में ले रहे हैं। अभी FIR भी हो रही है और वो उन्होंने आश्वासन तो दिया है, देखते हैं। पहले भी जो काम हुए उसमें भी आश्वासन दिया है, लेकिन हम लोगों को आज तक पता नहीं चला कि उस जो उन्होंने जो भी क्या कार्रवाई की है आज तक वो हमें अभी तक ज्ञात नहीं हुआ है। और इसमें भी क्या होगा इसमें, लेकिन इस ये जो अभी जो कृत्य हुआ है अब, लेकिन हम लोग इसको लगातार हम इसको मॉनिटर करेंगे, कहाँ तक कार्रवाई पहुँच रही है, क्या हो रहा है। शायद अगर अभी ये संज्ञान में, अच्छे से संज्ञान में लेके, और अगर हम लोग कल्प्रिट को पकड़ते हैं और कठोर सजा देते हैं तो शायद इन घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। देखिए, गिरफ्तारी अगर नहीं होती है तो हम आंदोलन करेंगे, बिल्कुल आंदोलन करेंगे और हम सब मिलके करेंगे, क्योंकि ये चीज़ों की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। जामुल थाना प्रभारी केशव कोसरे ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर प्रयास तेज कर दिए गए हैं। ओम शांति चौक के पास 32 एकड़ क्षेत्र में हनुमान जी के मंदिर में कोई अज्ञात चोर द्वारा मंदिर का कलश चोरी कर मूर्ति से छेड़खानी, हनुमान जी के मूर्ति से छेड़खानी की गई है, जिसमें थाना जामुल में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया और आरोपी की पत्तासाजी की जा रही है। चोरी में मंदिर का कलश चोरी हुआ है, जिसका मूल्य लगभग 3000 रुपये का है। अज्ञात चोरों का पता की जा रही है। बहरहाल पुलिस प्रशासन ने प्रतिमा को खंडित करने के मामले में संलग्न आरोपियों की गिरफ्तारी करने को लेकर प्रयास तेज कर दिए हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने की स्थिति में भाजपा महिला मोर्चा ने आंदोलन की चेतावनी भी दी है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।